हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम निपुण भारत अंकुर साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के अंतर्गत अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी, जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से सभी विद्यालयों में पहुँचा दी गई है, जिसे आपके विद्यालय से बुकें जो है आपको प्राप्त होगी। और इन बुकों में आपको वर्कशीट सप्ताह और दिवसवार आपको तैयार करना है, जिसमें हम आज इसी कड़ी में देखेंगे आज पार्ट 5 छोटू का घर। इसमें सीखने के बिंदु, साफ सफाई के महत्व को जानना और घर को साफ रखने के तरीकों से परिचित होना है। इन सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे, देखेंगे और हल करेंगे। तो हम इस वर्कशीट को हल करें इससे पूर्व, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। अब बताना है इसमें, बताओ अभ्यास क्रमांक 1, अच्छी आदतों पर सही राइट का निशान लगाइए। अच्छी आदत क्या हो सकती है, अब देखें हम यहाँ पर। नंबर 1, टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोते हैं, इसमें राइट का निशान अच्छी आदत है। प्रतिदिन नहीं नहाते हैं, ये बुरी आदत है, इसमें निशान नहीं लगाते। इसके बाद में तीसरा है, स्वच्छ और साफ कपड़े पहनते हैं, ये भी अच्छी आदत है। चौथा है, राइट का निशान लगा देंगे। समय समय पर नाखून और बाल कटवाते हैं, ये भी अच्छी आदत है, राइट का निशान लगा देंगे। भोजन करने के पूर्व हाथ नहीं धोते, ये बुरी आदत है, इसमें हम कोई चिन्ह नहीं लगाते। इसके बाद सोचो, अभ्यास क्रमांक 2 में घर विद्यालय में साफ सफाई नहीं होती तो क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों, देखें हम, घर और विद्यालयों में साफ सफाई नहीं होती तो बहुत गंदा लगता है। इसके बाद लिखें अभ्यास क्रमांक 3, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों के लिए डस्टबिन रखी हुई है। चित्र देखकर सोचिए और लिखिए दोनों कचरा दान में किस किस तरह के कचरा डालेंगे, जैसे गीला कचरा कौन कौन सा है, भोजन और फल के छिलके किस में डालेंगे हम, इसमें डालेंगे हरा वाले में। सूखा कचरा प्लास्टिक और कागज, इसमें डालेंगे हम ये डस्टबिन में, तो इस तरह से हम इसको जानेंगे। इसके बाद बताओ अभ्यास क्रमांक 4, क्या आपके गांव मोहल्ले में कचरा गाड़ी आती है, हाँ आती है। फिर अभ्यास क्रमांक 5 में देखेंगे, आप अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हैं, कचरा घर में डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। फिर अभ्यास क्रमांक 6 देखें, तो गीला कचरा किस रंग के डिब्बे और सूखा कचरा किस रंग के डिब्बे में डालना चाहिए, तो गीला कचरा हरा डस्टबिन में एवं सूखा कचरा नीला डस्टबिन में डालना चाहिए। इस तरह हमारी वर्कशीट 40 तैयार हो जाती है। अब देखेंगे वर्कशीट 41, सप्ताह 7 दिवस 5 में होने वाली कार्रवाई। पाठ है छोटू का घर, सीखने के कुछ बिंदु, इसमें घर को सजाने शोभित करने के विभिन्न तरीकों को जानना, जिसमें हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए घर के चित्र में रंग भरिए। तो यहाँ पर एक घर का चित्र बना हुआ है आपकी वर्कशीट में, इसमें आप तरह तरह के रंग भर देंगे तो ये सुंदर और आकर्षित दिखाई देने लगेगा। आपके पास जो भी रंग होगा आप इस तरह से इसमें भर देंगे। इसके बाद देखेंगे अभ्यास क्रमांक 2 में, बिंदुओं को जोड़कर रंगोली बनाइए और रंग भरिए। तो यहाँ जो बिंदु दी गई है, इन बिंदुओं को हमने जोड़ा और इसमें रंग भर दिया, तो ये सुंदर आकृति, सुंदर रंगोली यहाँ पर तैयार हो जाती है, जो आकर्षक दिखाई देती है। इस तरह आप भी कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे, बताओ अभ्यास क्रमांक 3 में, किन किन त्योहारों में घर की साफ सफाई और सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो विशेष ध्यान देने की बात जहाँ तक है, तो दीपावली, होली, दशहरा और रक्षाबंधन ये विशेष त्यौहार है, जिसमें हम घर की साफ सफाई करते हैं। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 में देखेंगे बच्चों, त्यौहार के अलावा किन अवसरों पर आप अपने घर को सजाते हैं। तो त्यौहार में तो हमारे घर की साफ सफाई होती ही, इसके अलावा भी हम घर की साफ सफाई शादी समारोह, बर्थडे आदि में करते हैं। इसके बाद सोचना है हमको यहाँ पर इस क्षेत्र को देख करके कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो इस क्षेत्र में देखिए आप, यहाँ पर दीपावली का एक अवसर है, त्यौहार है, जिसमें रंगोली बनाई गई है। रंगोली पर एक बच्ची जो है दिया रख रही है और इससे आनंद उत्सव के साथ में इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। इसके बाद त्यौहार का नाम देखेंगे हम दीपावली। तो इस त्यौहार पर
आप क्या क्या करते हैं? तो दीपावली के दिन घरों की साफ सफाई साज सज्जा की जाती है एवं घरों में दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली के दिन लोग साफ सुथरे कपड़े एवं नए कपड़े पहनते हैं, घरों में रंगोली बनाते हैं, घरों में अच्छा पकवान और मिठाइयाँ बनाई जाती है। इस तरह से हम इस वर्कशीट तैयार कर लेंगे। बच्चों हम देखेंगे अगली वर्कशीट हमारी 42 सप्ताह 7 दिवस 6 में पार्ट 5 छोटू का घर पुनर्वलन। इसमें क्या करना है हमको देखेंगे। अभ्यास क्रमांक 1, आमंत्रित और बिन बुलाए जानवरों को छांट करके लिखिए। यहाँ पर छिपकली, चींटी, गाय, चूहा, कुत्ता, बकरी, चिड़िया, मक्खी, तोता, मेंढक, भैंस, मच्छर आदि दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम गाय, कुत्ता, आमंत्रित जानवर गाय, कुत्ता, बकरी, तोता, भैंस आदि। बिन बुलाए में हम जानवर जो है छिपकली, चूहा, चींटी, चिड़िया, मक्खी, मच्छर आदि। इसके बाद देखेंगे हम अभ्यास क्रमांक 2 में, आप अपने विद्यालय में डस्टबिन कचरादान का उपयोग करते हैं? तो हाँ करते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 में देखेंगे शौचालय का साफ होना क्यों आवश्यक है? शौचालय साफ होने से बीमारी नहीं होती है, ऐसा हम इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप अभ्यास क्रमांक, अपनी पुरानी और अनुपयोगी वस्तुओं से घर के सजावट की वस्तु बनाइए, गुलदस्ता और डोरमेट। तो आप इसको तैयार कर लेंगे बच्चों। उसके बाद देखिए आप अभ्यास क्रमांक 5, आसपास साफ सफाई नहीं होने से क्या क्या परेशानी होती लिखिए। तो हमारे घर के आसपास चारों ओर साफ सफाई नहीं होने से सबसे पहले मच्छर आते हैं, बीमारियां फैलती है और गंदगी फैलती है, इस तरह की बीमारियां होती है। इसके बाद देखेंगे अगली हम अभ्यास क्रमांक 6, तो आप अपने घर के विभिन्न हिस्सों भागों का उपयोग किन किन कामों के लिए करते हैं लिखिए। क्रमांक घर के विभिन्न हिस्सों के नाम उपयोग। नंबर 1 रसोई घर, घरों के हिस्सों के नाम है पूजा घर, बाथरूम। उपयोग रसोई घर का खाना बनाने में, पूजा घर का पूजा करने में, बाथरूम का शौचालय या नहाने में, ऐसे हम इसको उपयोग करते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अभ्यास क्रमांक 7, जिसमें दिए गए घर के चित्र को आसानी से उपलब्ध वस्तुओं से सजाइए। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र के में एक घर बना हुआ है जिसमें हमको साज सज्जा करना है, तो हम कलर कर देंगे, इस तरह बेला लगा देंगे सुंदर आकर्षक, इस तरह हम कुछ वस्तु यहाँ पर आकर्षक वस्तु चिपका देंगे, फूल बना देंगे, क्यारी बना देंगे, बगीचा बना हुआ है, इस तरह हम सुंदर कलर करके इस घर को सजा सकते हैं जो सुंदर और आकर्षक लगता है। तो इस तरह हमारी वर्कशीट 40 से 42 तक संपूर्ण हल हो जाती है। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वर्कशीट 43, 44 और 45 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।